कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो उससे पहले आप प्रोसेसर का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि प्रोसेसर मोबाइल का वो अंग होता है जो कि मोबाइल के परफॉर्मेंस और उसकी वर्किंग डेटा को सारा मेंटेन करता है। ऐसे आप प्रोसेसर को मोबाइल का दिमाग कह सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसर जो है बहुत ही मायने रखता है आपके मोबाइल के लिए। तो इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ प्रोसेसर के बारे में बातें बताऊंगा जिन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है जबकि आप मोबाइल खरीदने जाते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप मोबाइल फ्यूचर में बाई करना चाहते हैं या कभी भी आप बाई करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेसर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पछताना ना पड़े मोबाइल खरीदते वक्त या खरीदने के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर का कार्य क्या होता है। दोस्तों प्रोसेसर का कार्य आपके मोबाइल में जो भी आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर मल्टीटास्किंग करते हो, वीडियो देखते हो या फिर कोई भी काम करते हो आप अपने मोबाइल में, तो वो जो है प्रोसेसर वर्क करता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप के साथ साथ आप म्यूजिक प्ले करके सुनते हो, तो ये सारा वर्क जो है वो प्रोसेसर करता है। मतलब कि मोबाइल में जो भी कार्य होता है वो सब प्रोसेसर करता है। तो ये प्रोसेसर के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों प्रोसेसर जो है वो कई तरह का होता है, जैसे कि डुअल कोर प्रोसेसर, उसके बाद क्वाड कोर प्रोसेसर, उसके बाद हेक्सा कोर प्रोसेसर, उसके बाद ऑक्टा कोर प्रोसेसर, उसके बाद डेका कोर प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि ये सब प्रोसेसर जो है इनका वर्क क्या है। तो चलिए बारी बारी से इन सबका जान लेते हैं। जैसे कि पहला है डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब अगर आप मोबाइल को इंसान समझो तो यहाँ पे आप इसे और डिफाइन कर सकते हैं कि डुअल कोर प्रोसेसर मतलब दो दिमाग वाला इंसान, ठीक। और उसके बाद आता है आपका क्वेड कोर। क्वेड कोर प्रोसेसर मतलब चार दिमाग वाला इंसान। हेक्सा कोर प्रोसेसर मतलब छः दिमाग वाला इंसान। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर मतलब आठ दिमाग वाला इंसान। और डेका कोर प्रोसेसर मतलब 10 दिमाग वाला इंसान। तो यहाँ पे चलिए एक बात कर लेते हैं डुअल कोर प्रोसेसर की। तो दोस्तों डुअल कोर प्रोसेसर का मतलब होता है दो दिमाग वाला इंसान। यहाँ पे आप व्हाट्सएप जैसे यूज कर रहे हो तो आप चाहे तो म्यूजिक को भी प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप म्यूजिक को प्ले करते हो, व्हाट्सएप को साथ साथ में यूज करते हो, तो ये जो कार्य करता है वो प्रोसेसर ही करता है। यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर जो होता है वो आपस में बंट जाता है। एक दिमाग का कार्य होता है आपका व्हाट्सएप चलाना और एक दिमाग का कार्य होता है आपका जो है म्यूजिक प्ले करना। इसी तरह से आप अगर क्वेड कोर में जाते हो, हेक्सा कोर में जाते हो, ऑक्टा कोर में जाते हो, तो ऐसे ही ये जो है वो आपस में बंट जाते हैं। तो इसी के तरीके से आपका मोबाइल जो है बहुत अच्छे तरीके से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिमाग जो है बहुत है आपके मोबाइल के पास। तो जो भी आप वर्क करते हो वो आपस में बंट जाता है और स्मूथली आपका मोबाइल जो है वो वर्क करता है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जितना बढ़िया आपका प्रोसेसर होगा आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है उतनी बढ़िया होगी और आप अच्छे तरीके से अपने मोबाइल में मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्लेइंग और भी बहुत सी गेम्स, हेवी गेम्स को आप प्ले कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी और एक बेहतर प्रोसेसर आप ले पाओगे। दोस्तों अभी जो पॉपुलर है, जो कि चलन में है प्रोसेसर, वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। दोस्तों क्वालकॉम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों क्वालकॉम जो है सबसे पहला वो जो अपना प्रोसेसर लॉन्च किया था वो था 2007 में, 1 गीगाहर्ट्ज़ पे वो अपना प्रोसेसर जो है लॉन्च किया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता था। दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन आया है वो है 835, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है और 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ आपको ये प्रोसेसर मिल जा रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से वर्क करता है। अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगते हो कोई भी मोबाइल में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन थोड़े से जो है वो महंगे होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मीडियाटेक की। तो दोस्तों मीडियाटेक का जो प्रोसेसर होता है बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीपेस्ट माना जाता है उस प्रोसेसर को। इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, जैसे हीलियो P10, हीलियो P20। तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, ये आपको मोबाइल में मिल सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। तो दोस्तों जब भी आप मोबाइल बाई करने जाइएगा तो प्रोसेसर का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि बेहतर प्रोसेसर होगा तभी आपका मोबाइल बेहतर तरीके से वर्क कर पाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों का ख्याल रखे आप मोबाइल को बाई कर सकते हैं और एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रोसेसर से कोई भी आपका सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो या फिर कोई पूछना हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी आगे हम वीडियो बना पाएँ। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो मोबाइल खरीदे तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो प्रोसेसर के बारे में, उसके बाद ही अपने मोबाइल को परचेस कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।